हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो टॉपिक चालू कर रहे हैं दैट इज काय स्क्वायर टेस्ट। इसका सिंबल होता है ये एक्स वाला, बड़ा एक्स होता है काय स्क्वायर। ये नॉन पैरामीटर टेस्ट है। एक्चुअली होता क्या है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट जो आपने सीखे होंगे ये सब पैरामेट्रिक टेस्ट है, इनमें वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन काय स्क्वायर जो टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसमें क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम इसमें एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करते हैं कि किसी इंजेक्शन के लगने से मरीज जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या किसी क्रीम को लगाने से लोग गोरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस टाइप के एट्रीब्यूट्स जो है ना वो हम इसमें चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपका H0 आएगा जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। उसमें ये माना जाएगा कि एक्सपेक्टेड है और जो आपकी ऑब्जर्व्ड है ये दोनों क्या इक्वल हैं। पहले तो ये माना जाएगा बोथ आर फ्रीडम, दोनों फ्री हैं, एक जैसी हैं। H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, उसमें क्या जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है दैट इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, ठीक है, कोई फ्रीडम नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में DF का मतलब यहाँ होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ निकलता है R-1 × C-1, यानी Rho-1 × Column-1। FO का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, FE का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेगी A × B/N, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। और काय स्क्वायर निकलेगा FO-FE जो आप करेंगे उसके टोटल का स्क्वायर अपॉन FE, और देन इसके अंदर ये आपका काय स्क्वायर का रीज़न होता है, ये आपका होता है, और इस तरह से फिर ये देन ये आगे जाके फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक तो होता है H0 रीज़न जो कि एक्सेप्टेंस रीज़न होता है, यानी इस एरिया में अगर आपकी वैल्यू आ गई तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और यदि इस वाली लाइन के इधर यानी H1 रीज़न में अगर आप आ गए तो आप अपने हाइपोथेसिस को H1 मानेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा और जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से थीम इसमें चलेगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 में आ चुका है। द फॉलोइंग टेबल गेव द डेटा ऑब्टेन ड्यूरिंग द एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा, टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोक्यूलेशन, यानी इंजेक्शन दिया जाए इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा का मतलब होता है हैजा, ठीक है। तो इनोक्यूलेटेड जिनको इंजेक्शन दिया गया उसके बावजूद उनको कोलेरा का अटैक हुआ, ऐसे जाए थे 50, और नॉट अटैक थे 290। और नॉट इनोक्यूलेटेड जिनको इंजेक्शन नहीं दिया गया फिर भी उनको अटैक हुआ 300, और नॉट अटैक हुआ 780। काय स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.05, यानी 95% पर है, और 3.84 दे रखी है, ये डेटा आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसी को अपन आगे चलाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपन ने एज इट इज़ लिखा, ये हमारी गिवन FO ऑब्जर्व कहलाती है, ऑब्जर्व टेबल, और ये अपन ने पूरी टेबल एज इट इज़ बना ली। ये जो इनका टोटल होता है ये N कहलाता है, दैट इज 1420, ये इनके टोटल्स हैं, और ये कॉलम वाइज टोटल हैं, ये रो वाइज टोटल हैं, ये टोटल्स हैं इनके। अब जब इनकी FE निकालनी हो तो वैसे तो FE का फॉर्मूला है A × B/N, लेकिन फॉर्मूले में ना जाकर आप डायरेक्टली देखिए इसको, इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके सामने टोटल्स देखिए, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। यानी यहाँ का टोटल है 350 और यहाँ का टोटल है 340, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय टोटल एंड 1420। अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके सामने 1080 और इसके सामने 350 डिवाइड बाय 1420। अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका टोटल है 1070 और इसके सामने टोटल है 340 और डिवाइड बाय 1420, सही है। और अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके सामने का टोटल है 1070, इसके सामने का टोटल है 1080 डिवाइड बाय 1420। ये जितनी भी वैल्यू निकली ये अप्रोक्स वैल्यू है, 84, 266, 256, 814, ये इन्हीं की वैल्यू निकली है। ये FO थी, ये ऑब्जर्व थी, ये जो हमने निकाली है एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड टेबल यानी FE निकाली है। तो इन चारों से अपन को आगे बढ़ना है, तो इन चारों को अपन पुट कर देते हैं, ये उस टेबल में अपन ने पुट कर दिया, तो ये निकल गई FE की टेबल, ठीक है। तो अब अपन इस टेबल पे आते हैं। FO तो आपको गिवन था, FE आपने अभी ऊपर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। FO आपको गिवन था, ये तो गिवन होता है, और FE आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब FO-FE यानी 50-84 दैट इज -34,
300 माइनस 266 दैट इज 34, ऐसे एफ ओ माइनस एफ ई निकल लेंगे। अब इनका स्क्वायर कर दो, यानी माइनस 34 इंटू माइनस 34 दैट इज 1156, 34 इंटू 34 इंटू 1156 आ जाएंगे, ठीक है। अब का स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला था एफ ओ माइनस एफ ई का जो स्क्वायर आपने किया यानी ये, उसको डिवाइड कर दें एफ ई यानी इससे, तो इन सभी को इन सब से डिवाइड किया तो ये वैल्यूज आपकी आ गई। अब इनका टोटल कर दिया, ये आपकी का स्क्वायर की वैल्यू है। तो पहले एफ ओ, फिर एफ ई, फिर एफ ओ माइनस एफ ई, देन उसका स्क्वायर, देन दैट स्क्वायर शुड बी डिवाइड बाई एफ ई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये का स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तो नल हाइपोथेसिस लेना पड़ेगा जिसमें आपको ये मानना पड़ेगा एफ ओ है वो एफ ई के बराबर है। फिर आपको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेना पड़ेगा कि एफ ओ इज नॉट इक्वल टू एफ ई। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो रो माइनस वन इंटू कॉलम माइनस वन, तो हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में दो तो रो हैं और दो ही कॉलम है, ये तो टोटल से इनको नहीं देखना, दो रो हैं और दो कॉलम है, तो इसलिए रो भी टू माइनस वन और कॉलम टू माइनस वन, वन इंटू वन वन आ गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका वन आ गया। और 95% पे जो वैल्यू है क्वेश्चन आपको दे रखी है वो है 3.84। तो ये पहले आपको लेना है, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। नाउ अब का स्क्वायर का अपन ने ये डायग्राम बनाया, उसमें यहाँ लाइन खींची जो डाउन साइडेड है, और इस साइड में आपका एच जीरो रीजन होता है और इस वाले रीजन में आपका एच वन रीजन होता है। एच जीरो यानी आपका एक्सेप्टेड रीजन है और एच वन आपका रिजेक्टेड रीजन है। अच्छा, 3.84 की लाइन अपन ने टेबल वैल्यू 95% पे खींची है, लेकिन आपकी वैल्यू जो आई है ना वो अपन ने जो निकाली है वो निकाली है 24.02। तो 24.02 तो इससे पहले नहीं, इसके बहुत बाद में यहाँ आएगी। इट मीन्स आप नल हाइपोथेसिस के एरिया में नहीं हो, आप एच वन के रीजन में हो, यानी आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाएगा और नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी वैल्यू है। इसका एक कंक्लूजन भी आपको लिखना पड़ेगा, का स्क्वायर्स कैलकुलेटेड वैल्यू यानी 24 इज मोर देन टेबल वैल्यू 3.84, यानी 3.84 से ज़्यादा है ऑन 5% सिग्निफिकेंस लेवल यानी 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 के लेवल पर। सो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड क्योंकि आप एच वन रीजन में हैं। सो वी कैन से दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोक्यूलेशन इज प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ कोलेरा। मतलब आप जो ये मान रहे थे कि एफ ओ और एफ ई बराबर है, यानी कहने का मतलब ये है कि इनोक्यूलेशन जो आप कह रहे हो कि ये जो हो रहा है और जो इस अपन ने जो एफ ई निकाला है वो बराबर है, तो ऐसा नहीं है। ये कहना चाहता है कि इनोक्यूलेशन से इसका मतलब जो है डेटा जो दे रखा है ऑब्जर्व वो एक्सपेक्टेड से अलग है। इसका मतलब इनोक्यूलेशन से कोलेरा पे फर्क पड़ रहा है और इनोक्यूलेशन से कोलेरा की रोकथाम हो रही है, इसका ये आंसर होगा। इसका एक क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं, ये डिफरेंट शेप में है। वैसे तो नॉर्मली इस तरह की टेबल शेप में आएगा, लेकिन फिर भी अ सैंपल एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ 500 स्टूडेंट का आपको सैंपल दिया गया। इट वॉज फाउंड दैट 180 स्टूडेंट हैड फेल्ड, 170 सिक्योर्ड थर्ड क्लास, 110 वर प्लेस इन सेकेंड क्लास एंड 40 गॉट ए फर्स्ट क्लास। ये चार डेटा दिए गए, 180, 170, 110 एंड 40। एज दिस फिगर कमेंसुरेट विद द जनरल एग्जामिनेशन रिजल्ट। अच्छा, ये जनरल एग्जामिनेशन रिजल्ट से टैली नहीं हो रहे थे। विच इज द रेशियो ऑफ 4:3:1, एक रेशियो दे दिया गया आपको फॉर द वेरियस कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। तो रेशियो दिया गया, डेटा आपको दिया गया, तो जो डेटा दिया गया ना वो तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखो, फेल्ड थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ये एफ ओ कहलाएगा। अच्छा, उससे पहले आप नल हाइपोथेसिस लेंगे कि एफ ओ और एफ ई बराबर है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन लेंगे कि एफ ओ और इज नॉट इक्वल्स टू एफ ई, ठीक है। एफ ई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो उसके लिए क्योंकि अपन को ये पता है कि टोटल 500, इनका टोटल कहता है 500, और उसका एक रेशियो जो है क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो उसका रेशियो गिवन है, तो 500 को आप इस रेशियो में बांट देंगे और ये आपका कहलाएगा एफ ई, और इस एफ ई को अपन ने यहाँ लिख दिया। ये देखिए, ये एफ ई जो है अपन ने लिख दिया, एफ ओ गिवन था, एफ ई अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब नॉर्मल वही रूटीन है, एफ ओ माइनस एफ ई करो, 180 माइनस 200 माइनस 20,
170 माइनस 150 प्लस 20, ऐसे एफ ओ माइनस एफ ई आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 20 इंटू माइनस 20 400 प्लस 20 इंटू प्लस 20 400, ऐसे एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर निकल जाएगा। अब ये जो स्क्वायर निकला इसको एफ ई से डिवाइड कर दो, ये एफ ई से डिवाइड कर दिया, ये टोटल वैल्यू आ गई, ये टोटल वैल्यू आ गई, ये आपका स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको 95% वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका इस क्वेश्चन में, क्योंकि रो कॉलम नहीं है तो इस कंडीशन में एन माइनस वन होता है, एन का मतलब जितनी डिजिट्स हैं, तो हमारे डिजिट्स थी 1, 2, 3, 4, तो 4 माइनस 1, 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। अब इसको काय स्क्वायर की टेबल में आप देख सकते हैं। तो देखिए ये है आपके काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम, ये उसकी टेबल आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, या तो नहीं तो आप बुक की हेल्प लेंगे। तो देखो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका निकला था 4 माइनस 1 यानी 3, तो 3, और 3 में आप देख रहे हैं ये 3 की रो है, उसमें 95% या 5% का लेवल पे देखना है, तो ये आपका निकला 7.81। तो इस तरीके से यहाँ वैल्यू दे रखी होंगी, यहाँ 0.10 है यानी 90%, 0.05 है यानी 95%, और 0.025 है, ऐसे 0.01 यानी 99.99% अलग अलग लेवल्स आपको दे रखे हैं, आपको ढूंढना इन दोनों को मिलाकर इससे, तो हमारी वैल्यू आ रही है 7.81। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पर आपकी अल्फा वैल्यू आई है 7.81, हमारी वैल्यू आई है 7.67 काय स्क्वायर की वैल्यू। काय स्क्वायर का डायग्राम बनाया, 95% की भी ये लाइन खींची 7.81, हमारी वैल्यू 7.67 है जो कि हमारे H0 रीजन में आ रही है। H0 रीजन में आ रही है इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, अगर इस वाले रीजन में आती तो H1 में आती और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। स्पेशलिटी है कि यहाँ रेशियो गिवन होगा, उसमें आपको अपनी वैल्यू को बांटकर FE की कैलकुलेशन करनी है, रेस्ट इज सेम।